मैडम, आपने सुप्रीम कोर्ट का फैसला देखा होगा जिसमें ये कहा गया है कि जो आरक्षण है अनुसूचित जाति जनजाति, उसके भीतर झांकने का अधिकार राज्य सरकारों को होगा और वैसे जाति जनजाति जिन्हें अभी तक लाभ नहीं मिला है उनके लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार होगा। इस फैसले को कैसे देखती हैं आप? देखिए, मैं बहुत ही अच्छे से देखती हूँ और इसका स्वागत करती हूँ। ये कई सालों से पेंडिंग था और ये बहुत ज़रूरी था। ये बार बार स्टेट वाइज ये आवाज़ उठ रही थी। एक तो होता है कि देखिए, स्टेट खुद जानता है ना कि सेंट्रल जानेगा कि स्टेट का क्या सिनेरियो है, कौन सी कास्ट है। कास्ट के बीच में जैसे SC हैं, ST हैं, OBC हैं, उनके भीतर भी कौन से ऐसे लोग हैं, कौन सा ऐसा समुदाय है जिनको उसका लाभ नहीं मिल रहा है, दो तीन को लाभ मिल रहा है। तो ये बहुत ही स्वागत योग्य है। अब सरकार को देर नहीं करनी चाहिए, इमीडिएट जो पेंडिंग है इनको जातीय जनगणना करानी चाहिए और उसके बाद निश्चित तौर से इसका सर्वे कराना चाहिए कि ST और OBC में कितने ऐसे समुदाय हैं जो ST होने के बावजूद, OBC होने के बावजूद उनको वो लाभ नहीं मिला है जो रिजर्वेशन में एक्चुअली में मिलना चाहिए। तो आपका इशारा क्या इस ओर है कि OBC में भी जिस तरह से सरकार ने रोहिणी कमीशन अपॉइंट किया है, जिसकी रिपोर्ट भी आ चुकी है कि जो कम लाभार्थी रहे हैं OBC उनके लिए ज़्यादा आरक्षण हो, जो ज़्यादा आरक्षण प्राप्त कर चुके हैं OBC जैसे यादव समाज, कुर्मी समाज, उनको कम मिले, क्या आप इसकी पक्षधर हैं? देखिए, बिल्कुल मैं कहूँगी कि ये सर्वे करना चाहिए और सर्वे में अगर आप देखेंगे और अगर आप डिटेल, मुझे ऑथेंटिक नहीं मालूम, लेकिन SC में ही 1000 अलग समुदाय है, OBC में ही कई 100 के अंडर होगा। आप OBC की भी बात करेंगे तो निश्चित तौर से किसी को ज़्यादा उसका लाभ मिल रहा है, किसी को कम मिल रहा है और किसी को मिल ही नहीं रहा है, जबकि वो OBC में है, जबकि वो SC में है, ST में है। तो निश्चित तौर से ये इमीडिएट सर्वे होना चाहिए। मेरा आखिरी प्रश्न है मैडम कि ये व्यवस्था तो आपके राज्य में करीब करीब लागू हो चुकी है, दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, तो क्या कम से कम इस मामले में आप नीतीश जी के फैसलों का समर्थन करेंगे? देखिए, दलित को महादलित किया गया, उन्होंने प्रयास किया था, बिल्कुल मैं कहूँगी कि प्रयास किया था, लेकिन अभी और प्रयास करना पड़ेगा। दलित महादलित के अंदर भी लगभग 1000 ST में उनके समुदाय हैं जो बिल्कुल इग्नोरेंस हुआ, उनको अलग कर दिया गया। तो अभी मैं अब नाम नहीं लूँगी क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ, नीतीश बाबू ने जिनको दलित और महादलित बनाया उनके बीच में भी कई ऐसे दलित और महादलित थे जिनको इसका लाभ नहीं मिला, वो उनको भी मालूम है। अब सर्वे होगा तो वो भी निकल के आएंगे। OBC में भी यादव, कोरी, कुर्मी, कुशवाहा, बहुत सारे ऐसे कास्ट हैं, उसके बावजूद बहुत सारे ऐसे समुदाय थे जिनको इसका लाभ नहीं मिला। बहुत सारे लोगों को तो ये नहीं मालूम कि OBC हैं, बहुत सारों को तो ये नहीं मालूम कि वो दलित से महादलित हो गए, लेकिन उनको लाभ नहीं मिला। तो निश्चित तौर से इसको बहुत गंभीरता से अब पूरे प्रदेशों में केंद्र को बिल्कुल निकाल देना चाहिए, नोटिस निकालना चाहिए सर्वे का और जाति जनगणना का।